अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी रेडी हैं साहिवाल की ओर जाने के लिए। तो आज हमने साहिवाल जाना है स्पेशली नेट के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। तो सभी दोस्तों से दुआ है, मुझे इंजरी हुई नहीं थी तो दुआ करें कि वो रिकवर हो जाए जल्दी जल्दी, ताकि मैं दोबारा गेम में गुजरूँ। तो ऐसे ही आप सब भाइयों की दुआ है, तो इसी के साथ अपनी दुआओं को बरकरार रखें। तो इंशाल्लाह मैं साहिवाल जाते हुए रास्ते में भी आपको इंशाल्लाह कुछ दिलचस्प चीज़ें दिखाऊंगा, और साहिवाल पहुंचे तो इंशाल्लाह उधर भी आपको साहिवाल की सैर करवाएंगे। इंशाल्लाह साहिवाल की जर्नी में आपको साहिवाल का जहाँ जहाँ भी सफ़र हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर साहिवाल में जहाँ जहाँ भी जाना हुआ तो ज़रूर आपको वहाँ की सैर करवाया करेंगे। तो फिलवक्त तो आज जाएंगे नेट पे, तो इंशाल्लाह नेट पे मुलाकात होती है जी। थैंक यू जी दोस्तों, से इस वक्त हम आ चुके हैं जी चर्च रोड पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई जगह। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें। इधर तकरीबन हम लेने आए थे शूज़, तो एक जोड़ी ले ली है, अभी एक जोड़ी रहती है तो इंशाल्लाह वो भी ख़रीदते हैं। क्या तो देखते हैं अभी किधर जाते हैं जी दोस्तों। तो इस वक्त हम आ चुके हैं लंडा बाज़ार साहिवाल में। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मुख्तलिफ किस्म की वराइटीज़, हर किस्म की सॉक्स वो भी बिल्कुल सस्ते रेट में। और तो और यहाँ पे मिले हैं हमें अपने दोस्त जिनके इंतज़ार में थे हम बड़ी देर से। देखें ये हैं जी हमारे कप्तान, इस वक्त मौजूद हैं जी लंडा बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त करते हुए। तो अभी देखते हैं जी अपर पसंद आया एक, तो अभी इसमें देखते हैं ये कि रेट कैसे इसका बनाते हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं। YouTube पे जानी है वीडियो ट्राई YouTube वास्ते नहीं पसंद आया जी हमें, थोड़ा सा छोटा था। अभी हम चलते हैं जी बाज़ार के दूसरे एंड में। ये दुकानें हैं जी इस वक्त मॉडल बाज़ार साहिवाल में आए हुए हैं जी, ये अभी देखना पड़ेगा। ओ आगे भी बना लिया बैग हमने। यहाँ पे आप मार्केटिंग करके करने आ सकते हैं जी, ज़रूरी नहीं कि आप न्यू चीज़ें ख़रीदें, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं ख़रीदने के। तो इसमें आप अपनी पसंद के देख सकते हैं। मैं इस वजह से थोड़ी स्लोली स्लोली बना रहा हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आए तो वो रब्ता कर सकता है इनसे आगे, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा कहाँ से हो, कौन से? मैं चमन से हूँ यार, पेप्सी वाला। चलो ठीक है, अब हर जगह से चाहे पेप्सी वाला वीडियो नहीं बना दे, क्या ड्रामा करते हैं, वीडियो बना रहा है। इधर से बना दो, इधर से क्यों बनाएगा। अच्छा इसका क्या रेट, 100 रुपये का लेना है रखना है, वीडियो कोई बंद करना फिर इतना फिर बस जी दोस्तों। तो इस वक्त हैं हम आपके सामने जी, पेंटें वगैरह हैं इधर, तो देख सकते हैं आप, खूबसूरत हैं तो चेक कर सकते हैं आप। कोट्स वगैरह भी हैं, और लाया होता बड़ी वधिया पश्तो सीख लेनी है।
ये कोट्स हैं जी, तो देख सकते हैं आप, पेंटे वगैरह भी हैं। तो आज हम आए हैं जी अंडा बाज़ार में, शूज़ लेने थे अभी, वैसे बस इंजॉय कर रहे हैं, शूज़ लिए अभी वैसे बस इंजॉयमेंट के लिए, ग्लव्स वगैरह टायर्स वगैरह देखने आए हैं। जो चीज़ मिलेगी हमें तो अपनी पसंद की तो वह ख़रीदेंगे। चलें आपको दिखाते हैं जी, इस वीडियो में जो चीज़ अच्छी लगी आपको आप ख़रीद सकते हैं। जस्ट लाइक अ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मीरदाद माफी में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी मीरदाद माफी का जो मेन बाज़ार है। तो अभी आज हम जल्दी तकरीबन घर आ गए, तो मैंने सोचा कि दोस्तों को अपने गांव की सैर करवाता हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये जी इस वक्त फ्रूट चाट है जी, फ्रेश फ्रूट चाट। अरे ये जी टिक्का शॉप है, मछली भी दस्तयाब है ना यार। और ये आवाम है जी, आप इसमें देख सकते हैं जी, ये मीरदाद माफी के स्पेशल एरिया है, तो इधर तकरीबन काफ़ी आवाम है, हर किस्म की सहूलियात मुहैया। तो इस वक्त तकरीबन सब गांव में से सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इस वक्त मीरदाद माफी माना जाता है, तो तरक्की के लिहाज से बहुत ही आला है। अभी इधर देखा जाए तो काफ़ी जूते वगैरह की शॉप है, ये मेन मार्केट है। और ये जी आपको मिलेगा जी शवारमा एंड बर्गर पॉइंट। तो मीरदाद माफी की ये भी खासियत है कि यहाँ पर आपको हर किस्म के फूड्स, फास्ट फूड और हर किस्म के खुश्क मेवाजात भी ईज़िली मिल जाएंगे। तो ज़रूरी आप मीरदाद माफी में आएँ तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये मीरदाद माफी की शान है। मीरदाद माफी में मेडिकल स्टोर्स वगैरह भी इजीली हैं, और बेकरीज़ का भी इधर काफ़ी है सिस्टम। तो अभी मैं आपको लिए चलता हूँ जी इधर सरदार स्वीट्स की, मेरे ख्याल में ब्रांच नंबर 5 भी मीरदाद माफी में मौजूद है। और स्पेशली मेरे दोस्त भी हैं, स्पेशली मैं आपको लिए जाता हूँ जी एक अपने बहुत ही प्यारे दोस्त की तरफ, जो कि मीरदाद माफी में बड़े खूबसूरत अंदाज में दही भले बनाते हैं जी। ये जी सरदार स्वीट्स बेकरी है मीरदाद माफी में, तो ये ब्रांच नंबर 5 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीरदाद माफी में आपको हर किस्म की चीज़ें मुहैया हैं, और स्पेशली अगर आप बेकरीज़ के हवाले से या फ़ास्ट फूड हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो मीरदाद माफी में आसानी से मिल सकती है। और इतना माशाल्लाह तरक्की याफ्ता गांव हो चुका है इस वक्त मीरदाद माफी के, साहिवाल से स्पेशली उन्होंने अपनी ब्रांच मीरदाद माफी में खोली है कि लोग आएँ और विज़िट करें। अभी मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद लेके जाऊँगा एक दोस्त के पास, जो कि फ्रूट चाट और दही भल्ले बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं, तो ज़रूरी उनके पास जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपको दिखाते हैं जी फ्रूट चाट बना रहे हैं भाई। तो मीरदाद माफी में ये बड़े खूबसूरत तरीके से फ्रूट चाट बनाते हैं, और स्पेशली इनकी फ्रूट चाट पूरे मीरदाद में मशहूर है। ये जी मीरदाद माफी में तकरीबन आपको हर किस्म की सहूलियात मुहैया मिलेंगी। ये एक और बेकरी है जी, बिस्मिल्लाह बेकरी भी है, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं बिस्मिल्लाह बेकरी। और बाकी अगर रोड्स की बात की जाए तो रोड्स तकरीबन 24 घंटे ऐसे चलते हैं कि जैसे बिल्कुल मतलब शहरदारी वाला सिस्टम है, तो हर किस्म की इधर सहूलियात मुहैया। तो दोस्तों कल को हम आपको दिखाएंगे कि मीरदाद माफी में ये भाई फ्रूट चाट कैसे बनाते हैं। तो स्पेशली मीरदाद माफी में इनकी फ्रूट चाट बहुत मशहूर है, तो ये स्पेशल फ्रूट चाट एंड दही भले के नाम से मोहम्मद रफ़ीक रहमानी की दुकान जी रेडी है। तो इंशाल्लाह कल हम आपको इनकी रेडी की दास्तान सुनाएंगे और बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया और आखिरकार क्या काम किया और किस में इनको ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी,
और ये कैसे फ्रूट चाट बनाते हैं और ये कैसे दही भल्ले बनाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे आपको कल को। तो तब के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।